नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 24 फरवरी 2023 का दिन आखिर कौन ही भूल सकता है। जिस तरह से दिन दहाड़े प्रयागराज में उमेश पाल को गोलियों से भून दिया गया था, उस घटना ने सबका खून खौला दिया था। जिसके बाद इधर सदन में सीएम योगी ने मिट्टी में मिलाने की बात कही और उधर काम शुरू हो गया। और अभी तक इस हत्याकांड में पुलिस जांच कर रही है, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में अब माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता का योगी की पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरे मामले के बारे में। दरअसल पुलिस ने मंगलवार को कस्टडी रिमांड पर अतीक के पांचों गुर्गों से पूछताछ की और उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़े कई खुलासे किए। उन्होंने एक एक सवालों का जवाब दिया और विस्तार से बताया कि हत्या की पूरी प्लानिंग क्या थी। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मंगलवार की सुबह 9 बजे नैनी जेल से नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कटरा के अरसद, अतीक के नौकर राकेश उर्फ लाला और कैश अहमद को कस्टडी रिमांड पर लिया और कोर्ट ने पुलिस को पांचों से पूछताछ के लिए 6 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की थी। जहां नियाज ने एक खुलासा किया कि अतीक के बेटे असद ने उसे पहले कॉन्टैक्ट किया था और अतीक से उसकी बात करवाई थी, जिसके बाद नियाज ने अगले दिन से उमेश पाल पर नजर रखना शुरू कर दिया था। उमेश जहां भी जाता नियाज पीछे पीछे चल पड़ता और इसकी जानकारी असद को देने लगा था। इसके बाद उमेश के पड़ोसी मोहम्मद सजर ने भी जानकारी देते हुए बताया कि उसने भी 13 फरवरी से ही उमेश के लिए रेकी शुरू कर दी थी। उमेश कितने बजे घर से निकला, कौन कौन उसके साथ है, ये सब वो असद को बताता था। इन सभी बातों के बीच अतीक के नौकर कैश अहमद और राकेश उर्फ लाला ने सबसे बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि हत्याकांड के बाद सभी शूटर चकिया वापस आ गए थे, जिसके बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता ने सभी को पैसे दिए थे, यानी इसमें शाइस्ता अच्छे से शामिल थी। इतना ही नहीं, शूटरों के जाने के बाद शाइस्ता ने अपने अन्य नौकरों के माध्यम से शूटरों के घर वालों को भी पैसे भिजवाए थे। बस इतना पूछताछ के बाद पांचों आरोपियों को वापस नैनी जेल भेज दिया गया था। बात की जाए शाइस्ता परवीन की, तो अभी फिलहाल शाइस्ता परवीन उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी है और फरार चल रही है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वही उधर अतीक का बुरा हाल है, उमेश पाल अपहरण केस में उसी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि जब उमेश पाल की पत्नी जया पाल से हमारे संवाददाता रोहित बात करने पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा। 17 साल बाद फैसला आया और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा प्रयागराज की MPML कोर्ट ने सुनाई है। हालांकि अशरफ को बरी कर दिया गया है। ऐसे में हम दिवंगत उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं और उनकी पत्नी से बात करने के लिए आए हैं। फैसला आ गया है 17 साल पहले वाले मामले में, क्या कुछ कहेंगे? मैं जजमेंट जो आज हुआ है उस जजमेंट के हिसाब से मैं उनकी जजमेंट तक खुश नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जो उम्र कैद की सजा सुनाई है, कारावास दिया है, तो ये इस पर मैं जजमेंट में खुश नहीं हूँ। मैं अब जो है इस जो है फैसला, इसको मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगी। मुझे चाहिए कि मुझे अपने हस्बैंड के जो न्याय चाहिए, मुझे वो फांसी की सज़ा सुनाना है। मैं वो तभी मैं संतुष्ट हो पाऊंगी। अशरफ को बरी कर दिया गया, इस पे क्या कह रहा? मैं इन सब को ले करके, क्योंकि ये जो मेरे आदमी की हत्या करवाए हैं, मैं ये जान रही हूँ कि मुझे इन सब को ख़त्म करवाना है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये केस लेके जाऊँगी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से आपने जिस तरीके से पहले भी कहा सहयोग मिल रहा है लगातार, तो अब क्या आप सरकार की तरफ भी अपील करेंगे कि हाँ आगे इस मामले में और कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपील है मेरी, लेकिन मैं न्यायालय को ये जो केस था इसको मैं लेके जाना चाहूँगी। मुझे न्याय चाहिए। अभी मेरे आदमी की जो घटना हुई है इससे मैं संतुष्ट नहीं हो पाई कि वो जो जजमेंट मिला है कि कारावास दिया गया, मैं उस जजमेंट से खुश नहीं हूँ। ये लंबी लड़ाई रही, 17 साल बाद फैसला आता है और अब आज उमेश पाल है नहीं, तो ये 17 साल की जो लंबी लड़ाई रही अतीक अहमद से लड़ी उमेश पाल जी ने, उस लड़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे? जी हाँ, जजमेंट मैंने मुझे आगे बढ़ाना है इस चीज़ को। मुझे न्याय चाहिए। न्याय में मेरे आदमी की मृत्यु हुई है और मैं भी चाह रही हूँ कि उसकी भी मृत्यु हो, फांसी की सज़ा सुनाई जाए। मैं न्यायपालिका से फिर से अपील करूंगी और हाई कोर्ट जा कर के सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लेके जाऊंगी। तो यही कहा जा रहा है कि जो भी सज़ा दी गई है उससे संतुष्ट नहीं है परिवार, और उमेश पाल जी की पत्नी का साफ कहना है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को यहीं नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। तमाम और मामले हैं जिसमें उसको आरोपी बनाया गया है, तो क्या और आपके वाले केस को छोड़ के और अगर किसी केस में उसको ऐसी सज़ा होती है तब भी आप संतुष्ट हैं?
देखिए आज तक उसके जितने भी केस हुए चले हैं उस केस में उसका कुछ नहीं हुआ पाया। ये उमेश पाल का उमेश पाल जी की हत्या जो हत्या हुई है और ये जो है गवाहदार थे, गवाहदार में उन्होंने जो है इस तरह से सज़ा मिली है तो न्यायपालिका, तो उनको जजमेंट यही देना चाहिए था कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, जो कि फांसी की सज़ा ना होकर उम्र कैद की सज़ा हुई है। वो चाहे वो जहाँ भी रहेगा वो खतरा कर सकता है, इसलिए मुझे जो है ये केस को जो है मुझे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने पर मुझे न्याय चाहिए, न्याय भी ऐसा हो कि जो ख़त्म होने वाला हो। अभी तक असद नहीं मिला है, अभी तक शाइस्ता परवीन नहीं मिली हैं, वो सब मिल जाएंगे बाद में, क्योंकि ये जो है मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दिया है, बाकी वो अपना सब देखेंगे। जिस दिन ये कुछ हुआ 24 फरवरी को, उससे पहले कभी उमेश जी ने बताया हो कि हाँ इस तरीके की धमकियाँ मिल रही हैं या कुछ ऐसा किया जा सकता है, कभी कुछ आपसे शेयर किया? नहीं, कभी कोई इस चीज़ के लिए कोई भी हमसे शेयर भी नहीं किया उन्होंने। तो 17 साल बाद जब फैसला आया तो फैसला यही रहा कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद हमने उमेश पाल जी की पत्नी से बात की और उन्होंने साफ कहा है कि फैसले से संतुष्ट नहीं है और वो अभी हाई कोर्ट जाएंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी और जो अपडेट होगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।